पिछले जाने लगे हैं, पहले पीछे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो आगे आ रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जब से कर्नाटक हारी है तब से कुछ अच्छे खबर, कुछ अच्छे संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दिख रहे, खास करके उन तीन राज्यों में जो कि हिंदी पट्टी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे चुनाव होने वाला है। और अब जो खबर आई है राजस्थान से वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा आप देखिए इस खबर को और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में कुछ अच्छे संकेत जो है वो नहीं मिल रहे इन तीन राज्यों में। कल मैंने आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश में क्या सर्वे आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे वहां पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब देखिए राजस्थान में जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां पे आप देखिए बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया, जहां पे 40,000 लोगों का मतलब दावा किया गया कि 40,000 लोग जो है वो इस प्रदर्शन में जमा होंगे, लेकिन हुआ क्या, 5,000 लोगों का भी पता नहीं इस प्रदर्शन में। और उसके बाद देखिए आप जी राजस्थान ने लिखा है कि किस तरीके से बीजेपी के इस प्रदर्शन में जनता जो है वो छटती हुई दिखाई दी, 5,000 लोग भी नहीं पहुंचे, 40,000 लोग जो है वो बताए जा रहे थे, इंतजाम 40,000 लोगों का था लेकिन 5,000 लोग भी जमा नहीं हो पाए। आप देखिए इस वीडियो में, आपको ये वीडियो फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वीडियो को आप देखते जाइए, जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको चेयर और कुर्सी खाली की खाली दिखेगी, आगे कुछ लोग बैठे हुए है बाकी पूरा का पूरा चेयर कुर्सी खाली है। और कुछ लोग अगर ये करेंगे कहेंगे के मामला जो है वो भाषण खत्म हो जाने के बाद का है, तो जरा आप समझ लीजिए इस वीडियो को, थोड़ी देर आपको साउंड भी सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए कि किस तरीके से भाषण चल रहा है लेकिन चेयर कुर्सी खाली पड़ी हुई है। देख लिया आपने, मामला जयपुर का है, भाषण दिया जा रहा है, भाषण चल रहा है, रनिंग है, लेकिन उसी वक्त जो आप देखो आपको देखने को मिला ये कि वहां पे चेयर कुर्सी पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ये तीनों जो है वो हिंदी पट्टी है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना गढ़ मानती है हिंदी पट्टी को, लेकिन उसी हिंदी पट्टी में आपका क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये आप देखिए। दिनेश दांगी है जो लिखते हैं व्यू ऑफ बीजेपी परफॉर्मेंस इन जयपुर, ये देख लीजिए ये जो परफॉर्मेंस किया है बीजेपी ने, ये बता रहे हैं कि ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का जो कि जयपुर में जो प्रदर्शन करने के लिए 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, पुलिस प्रशासन ने काम भी उसी तरीके से किया, लेकिन देखने को ये मिला कि वहाँ मामला सब कुछ उल्टा हो गया, 5,000 भी लोग जमा नहीं हो पाए, जिसको लेकर आप देखिए जी राजस्थान ने लिखा भी 40,000 लोगों की बात थी और 5,000 लोग भी जमा नहीं हो पाए इस प्रदर्शन में। तो इसका चुनाव पे क्या असर होगा और किस तरीके से यहाँ पे चुनाव आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस तरीके से आपने ये वीडियो देखा है उसको अंदाजा लगा लीजिए और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।